गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 सेकंड में कुछ ऐसा कहा था जिसे आज पूरा देश बार बार सुन रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करती दिख रही है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी 182 में से 156 सीटों पर आगे है। अगर ये रुझान नतीजों में बदल जाते हैं तो बीजेपी गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेगी। गुजरात में कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस के नुकसान का थोड़ा सा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता दिख रहा है। रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 6 से 7 सीटों पर आगे चल रही है। गुजरात में बीजेपी की मजबूती को देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का 22 सेकंड का एक बयान वायरल कर दिया है। इस बयान में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो आज आपको सुनना चाहिए। इसी बयान के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक कागज भी दिखाया था। उस कागज पर लिखा था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आइए ये बयान आपको सुनवाते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा।